हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कि आपको पता है कि दिल्ली में जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उसी प्रकार से दिल्ली सरकार भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम लाई है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वो नए नियम क्या हैं और कैसे वो यात्रियों को सुविधाएँ देने वाले हैं। तो आए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में मेट्रो और बसों में खड़े होने होकर सफ़र करने की मंजूरी नहीं थी, जिसको अब मिल गई है। अब मेट्रो और डीटीसी या क्लस्टर बसों में खड़े होकर सफ़र करने की मांग दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को DDMA के चेयरमैन और उपराज्यपाल अनिल बैजाल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें क्या क्या हैं आइए जानते हैं। ताकि पहला सवाल है कि नए नियम के बाद दिल्ली मेट्रो के एक कोच में कितने लोग सफ़र कर सकें। इसका जवाब यह है कि अभी तक DDMA के आदेश के मुताबिक मेट्रो के एक कोच में 100% सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ 30 लोग और सफ़र कर पाएंगे। मतलब मेट्रो के एक कोच में 30 लोगों के लिए स्टैंडिंग मंजूरी मिल गई है। अब एक कोच में 30 लोग खड़े भी हो सकते हैं, तब सारी सीटें भरने के बाद 30 लोग खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं हर कोच में। अगर हम DTC बस की बात करें तो इसमें कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो बस में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50% लोग खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ बता दें, अगर एक बस में 40 सीटें हैं तो इस हिसाब से 20 लोग खड़े होकर सफ़र कर सकेंगे। एक बार में लगभग 60 लोग सफ़र कर पाएंगे, मतलब 40 लोग बैठ के और 20 लोग खड़े होकर। अब बात आती है कि दिल्ली में भी कितनी बसें उपलब्ध हैं। बसों की बात करें, दिल्ली में इस समय DTC की 3760 बसें और क्लस्टर की 3033 बसें चल रही हैं। इस हिसाब से कुल 6793 बसें हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या दिल्ली में एक्स्ट्रा प्राइवेट बसें भी सड़कों पर उतारी जाएंगी। तो इसके लिए जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हैं, उन्होंने 1000 प्राइवेट CNG बसों को हायर करने का आदेश भी दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि सोमवार से कुछ बसें सड़कों पर आना शुरू हो जाएंगी। परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि DTC ने शनिवार शाम तक 534 प्राइवेट बसों को परमिट दे दिया है, लेकिन अभी भी कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। DTC और मेट्रो को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन हो, सवारियों का मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। अब बात आती है कि जो नियम आए हैं, ये नए नियम हैं या फिर पुराने नियम में संशोधन किया गया है। ये बता दें कि DDMA ने 15 नवंबर को अगले 2 हफ्तों के लिए आदेश जारी, इसमें यह संशोधन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बढ़ते प्रदूषण के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए DDMA को प्रस्ताव भेजा था कि बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफ़र करने की इजाज़त दी जाए, तो यह नियम इसलिए लागू किए गए हैं जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैपेसिटी बढ़ाई जाए और प्राइवेट वाहनों की संख्या रोडों से कम किया जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।